नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 41 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जानेंगे कटि चक्रासन। इसे कटि चक्रासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कटि वाले भाग को एक पहिए के भांति घुमाया जाता है, अतः इसे कटि चक्रासन कहा गया। यह आसन संख प्रक्षालन की क्रिया के दौरान भी किया जाता है, इसलिए इसे संघ प्रक्षालन का आसन भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच लगभग 1.5 फुट का हम फासला बना देते हैं। दोनों भुजाओं को 15 डिग्री ऊंचाई पर लाकर हथेलियों के रूप एक दूसरे के सामने कर देते हैं। अब इसके दो रूप आप देखेंगे। पहले धड़ वाले भाग को श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे हम दाईं ओर घुमाएंगे। बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे पर और दाएं भुजा नीचे से पीठ वाले भाग से लपेटते हुए हथेली को दाएं हम बाएं ओर ले जाएंगे। ये देखिए आप चलिए रुकना है, पश्चात धीरे धीरे वापिस, और यही क्रिया बाएं ओर से दोहरा लेंगे। ऐसा आप 10 बार दोहरा लें। गर्दन भी कंधे के ठीक ऊपर रहेगी। जब दाएं ओर जाएं तो थोड़ी दाएं कंधे पर, जब बाएं ओर जाएं तो थोड़ी बाएं कंधे पर। अब इसका दूसरा रूप देखेंगे। लगभग मिलता जुलता है, केवल अंतर इतना है। अब हम जो भुजा पीछे जाएंगे वो सीधी रहेगी, ये आप देखिए। और बाएं हाथ की हथेली भी दाएं कंधे पर आ गई। जब मैं बाएं ओर मुड़ूंगा तो मेरी हथेली दाएं हाथ की बाएं कंधे पर और बाएं भुजा पीछे, गर्दन बाएं ओर मुड़ जाएगी। धीरे धीरे वापस। ये गति वाला आसन है, सामान्य गति से इसे किया जाता है। इसके लाभ देखिए, पुट्ठे कमर और पीठ की मांसपेशियां स्वस्थ बनती हैं, रीढ़ लचकदार बनती है, श्वसन तंत्र ठीक होता है। इस आसन के करने से शारीरिक और मानसिक तनाव ठीक होता है, आंतें भी स्वस्थ रहती हैं। इसे आप दिन में 2-3 बार अगर दोहरा लेंगे तो आपके सभी सिस्टम बढ़िया रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आपका धन्यवाद।